हेलो, मैं निशा सालवी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस लिटिकल निशा सालवी, जिसमें हम नीट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम सीएसआईआर नेट की भी बात करते हैं। कुछ टॉपिक नीट के, कुछ टॉपिक नेट के। इस हफ्ते में मतलब हम डे डिसाइड कर लेंगे। जब हम नीट की क्लास लेंगे तो नीट वाले बच्चे में उस दिन जुड़ जाना, और जो नेट के बच्चे हैं यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट उसके अंदर भी हम लेंगे। स्पेशली सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए यहाँ पर क्लास चलेगी, उसके लिए भी मैं आपको डे डिसाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा चीज बता दूंगी कि इस दिन नीट की जो है आपके वीडियोस आएंगे और इस दिन सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए वीडियो आएंगे, राइट। सो आज बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, देखो मेरे को सबसे बुरी बात जो लगती है वो लगती है प्रॉमिस को ब्रेक करना, क्योंकि यदि आप किसी को होप देते हो और आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो तो बहुत ही बुरा लगता है, राइट। इट्स वेरी हर्टिंग। सो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो अपन ने ये पढ़ा है, लास्ट अपन ने वीडियो में पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन है अरिस्टोटल ने जो दिया, फिर हमने बोला कि भाई लीनियस ने हमारा बायनोमियल क्लासिफिकेशन दिया, फिर थ्री किंगडम आया, फोर किंगडम आया, फाइव किंगडम में हमने आर एच विटेकर के बारे में पढ़ा था। आर एच विटेकर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आज आए हुए हैं आपके सामने। इसके अलावा हमने देखा था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, राइट ना। लास्ट टाइम में हमने ये बात की थी। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रॉपर ना दिखे बिकॉज ऑफ अपने पास लेस चीजें हैं, बट चीजें मैं समझाऊंगी, मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आप बाद में नेक्स्ट टाइम जब वापस से वीडियो देखना चाहें तो उसको पॉज करके और क्वेश्चन जो है मेंशन कर लीजिएगा, ओके। एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर जो है 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके पहले और दूसरे और ढाई, मतलब ढाई पेज है जिसको मैंने पढ़ा दिया है, उस ढाई पेज में से जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फैनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, राइट। अब आप ये सोचोगे कि मैम आपने तो हमें फैनेटिक क्लासिफिकेशन ही नहीं बताया है, राइट। यस, फैनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, है ना। क्या होता है फैनेटिक क्लासिफिकेशन को? हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको एलिब्रेट जो है वर्बली करूंगी ज्यादातर चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फैनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फैनेटिक क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होता है, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, राइट। इसमें क्या करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन, ठीक है, ओवरऑल सिमिलैरिटीज, ठीक है। जो ओवरऑल सिमिलैरिटीज है, जैसे कि एक डॉग और वुल्फ की सिमिलैरिटीज देखें तो आपको लगता है सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, राइट। उनका अपीयरेंस कैसा है, उसके सिंपल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उस पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। बच्चों अच्छे से सुन लो ये बात, फैनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है, ओवरऑल सिमिलैरिटीज पे बेस्ड होता है, जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑलरेडी पहले से है, उन्हीं के कैरेक्टर्स को लेकर के हम आने वाला कोई, जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर रिसर्च करने के लिए गई, है ना। मान लीजिए मैं हिमालयों की घाटी पे गई और वहां पर मैंने कोई ऐसी स्पीशीज देखी जिसको देखने पर मुझे लगे कि ये, अरे हाँ ये तो कैट की जैसी लगती है या ये डॉग जैसी लगती है इसकी कैरेक्टर्स, तो इस तरीके का फिर हम क्या करेंगे, उसका एक अंदाजा लगा लेंगे, है ना। उसको इसीलिए हम उसको कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पर क्या हो गया, फैनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, हमारे ओवरऑल सिमिलैरिटीज पे डिपेंड करते हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी, और उसके अंदर क्या होता है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसके जो अवेलेबल ट्रेट्स होते हैं उसी पर हम उसको क्लासिफाइड कर पाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो सुनो, फैनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन किस पे होगा, जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, जो सिमिलैरिटीज अवेलेबल है ऑलरेडी किसकी, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की, तो वहां आपको टिक लगाना है। आगे बात, किस किस में पूछा गया, देखो 2013 और 2017 में, ठीक है, किसके अंदर, JIPMER के एग्जामिनेशन में। अब JIPMER का फुल फॉर्म क्या है लिख लेना कहीं, ये होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट, जे यानी कि जवाहरलाल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, पी फॉर हमारा आ जाएगा कि जो हमारे वो होता है ना, कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं
मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में, राइट। वापस से बता रही हूँ, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आगे बात समझ में, तो 2017 और 2013 में। और बच्चों एक और बात बता दूं, नीट से भी ज्यादा टफ जो एग्जाम होता है वो होता है JIPMER का। यहाँ पर यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो, वो JIPMER करने वाला हो, तो उसके लिए और भी कीनली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11th 12th के NCERT की एक एक लाइन पे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप NCERT की आप वो भी कर लेंगे, 11th 12th भी कर लेंगे अच्छे से, एक एक लाइन टू लाइन, तो भी आपको कोई भी एग्जामिनेशन टफ नहीं लगेगा। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूड इन, क्या पूछा है? सबसे पूछा है इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान होना चाहिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में RH वेटेकर ने दिया था, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी एनिमिलिया, ठीक है। ये पांच चीजें दी थी इन्होंने। मोनेरा में क्या था, मतलब हमारे पास था कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, है ना, यानी कि प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया था। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, सब किस में थे, मोनेरा में थे। इसमें देखा गया था कि कौन वॉल्ड वाला है, कौन लेस वॉल्ड है, यानी कि जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये मोनेरा में किया गया। फिर बोला प्रोटिस्टा में, जितने भी हमारे सिंगल सेल है बट यूकैरियोट्स है, सिंगल सेल है बट यूकैरियोट्स है, वो किस में आए, प्रोटिस्टा में आए। तीसरी वाली बात फंगस में आए। फंगस कैसा है हमारा, सबसे पहले बात तो सेल वॉल वाला है, जिसमें काइटिनस वॉल पाई जाती है, काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और हेटरोट्रॉफिक था, है ना, हेटरोट्रॉफिक था। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थी इसके पास प्रेजेंट थी, ये बात समझ में आ गई। ये मैं वही टेबल बता रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ। फिर हमने बोला था प्लांट में, प्लांट भी आपको पता है मल्टी सेल्यूलर है और सेल वॉल है, जिसके अंदर सेल्यूलोजिक हमारी सेल वॉल पाई जाती है। ऑटोट्रॉफिक है, क्यों, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, राइट। अब हमारे पास आ गया एनिमिलिया। एनिमिलिया में आपको पता है सेल वॉल नहीं पाई जाती है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको देखो भी फिंगर्स पे ऑन द टिप मैंने आपको क्या बताया, RH विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें मोनेरा था यानी कि सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ये फंजाई, मल्टी सेल्यूलर, हेटरोट्रॉफिक सेल वॉल वाला था, प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक है और हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें, और एनिमिलिया में कोई सेल वॉल नहीं होती बट ये हेटरोट्रॉफिक होता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिंगल सेल, राइट, क्या आया हमारा आंसर, सिंगल सेल यूकैरियोट्स। अब देखो तुम्हें याद है, अभी मैंने बताया सिंगल सेल यूकैरियोट्स क्या होगा, प्रोटिस्टा इसका आंसर होगा, है ना, प्रोटिस्टा इसका आंसर होगा। किसमें आया था ये, सेट के 2015 के एग्जामिनेशन में ये आया था, सेट के 2015 में आया था। यानी कि तुम बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं कि तुमने एक चीज पढ़ी और एक चीज के लिए पढ़ा तो तुम एक ही जगह रुक जाओगे, गोल एक होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं यदि तुमने अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है, नॉलेज कभी भी जाया नहीं जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय RH विटेकर, RH विटेकर ने हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इज नॉट बेस्ड ऑन, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि भाई जो RH विटेकर का क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेसिस नहीं है। तो बच्चों पहले तो पेन डाउन कर लो ये वापस से बातें, जो RH विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेसिस है, राइट। फर्स्ट जो चीज है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मैं अभी ये रफ करके आपको एक बार लिख के भी दे दूंगी, है ना, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आ चुका है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल,
और इवोल्यूशनरी लाइफस्टाइल एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पांच चीजें हमने देखी, क्या देखी? सबसे पहले तो सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लिसिटी क्या है, फिर बॉडी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लिसिटी क्या है, किस तरीके का न्यूट्रिशन है यानी कि वो हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा है इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है ये चीज। और लास्ट वन हमने बोली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, जैसे कि फंगस का एक अलग ही किंगडम है। इस तरीके से इन्होंने पांच जो है क्राइटेरिया लिया था, बट क्या तुमने इन पांच क्राइटेरिया में एक बार भी सुना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? नहीं सुना ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, आरएच विटेकर ने नहीं लिया, तो आपके पास ऑप्शन जो आएंगे वो आ सकता है कि मतलब इंडिविजुअली किंगडम, ठीक है, या इंडिविजुअली क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, या ये आ सकता है कि भाई वॉल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या ये हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या ये हो सकता है मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, या ये हो सकता है हमारा प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है ना, ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। और एक ऑप्शन आ गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये बच्चों कहां पर आ गया है, एटीपीएमटी में 2014 में आया हुआ है। आगे बात में समझ में, ये भी हमारे एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, 2014 के अंदर। अब देखो एज पर विटेकर क्लासिफिकेशन, आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है विटेकर का क्लासिफिकेशन है, राइट, इस क्लासिफिकेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सो प्लीज 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 यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वापस से वीडियो बना लूंगी। बट बच्चों अब अपन ने स्टार्ट किया है तो हमें बैक स्टेप नहीं लेना है, कोई भी कंफ्यूजन के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है। सो एज पर विटेकर्स क्लासिफिकेशन एन ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर क्या है, यदि हम विटेकर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, उसके पास यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, मतलब वो सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है। मल्टी सेलुलर उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कि उसके पास बहुत सारी सेल्स है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है उसके पास, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और हेटरोट्रॉफिक भी है वो। तो हम और क्या बोल रहेंगे, इसको किसके अंदर हम रखेंगे, हम इसको मोनेरा के अंदर रखेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर रखेंगे, या फिर हम इसको फंजाई के अंदर रखेंगे, या फिर हम प्लांट के अंदर रखेंगे, या फिर एनिमिलिया के अंदर। तो सबसे पहले देखो जब भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना हो बच्चों, तो अब देखो मैं ऊपर वाले ये रफ कर रही हूं ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन को समझाने के लिए कि कैसे हमें पता लगेगा, राइट। देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कैसा है, यूकैरियोटिक सेल, रेड दिखेगा नहीं आई थिंक, यूकैरियोटिक है, कैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है सबसे पहले। फिर आप बोलोगे मल्टी सेल्यूलर है, मैम देखो मल्टी सेल्यूलर है, ओके, फिर ये बोल रहा है कि सेल वॉल के साथ में, प्लस सेल वॉल है ना, फिर ये बोल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, येलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, फिर बोल रहा है ये हेटरोट्रॉफिक, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉफिक है ना, ये चीजें हमें दी हुई है। अब तुम्हें बता दूं, अभी हमने बात करी थी आरएच विटेकर ने क्या क्राइटेरियाज लिए हैं, सबसे पहले तो उसका कॉम्प्लिसिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लिसिटी क्या है, यूकैरियोट या फिर प्रोकैरियोट, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का कॉम्प्लिसिटी है, यानी कि वो मल्टी सेल्यूलर है या फिर वो हमारा यूनिसेल्यूलर है ना, सिंगल सेल है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मल्टी सेल्यूलर है, उसके पास सेल वॉल भी है। फिर बोल रहा है इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यानी कि ये तो हमें पता लग गया कि इसके पास न्यूक्लियस है तभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर ये हेटरोट्रॉफिक भी है। अब सुनो तुम मेरी बात, तुम्हें याद हो तो मोनेरा, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो यानी कि ये मोनेरा तो नहीं होगा, तो मोनेरा को हमने कैंसिल कर दिया।
फिर हम आते हैं प्रोटिस्टा पे। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा हमारा मल्टीसेल्यूलर नहीं होता, वो यूनिसेल्यूलर होता है और यूकैरियोट्स होता है, यानी कि प्रोटिस्टा भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप बताओ प्लांट पे बात करें, प्लांट कभी भी हिटरोट्रॉफिक नहीं होता, वो ऑटोट्रॉफ होता है, तो यानी कि इसमें प्लांट भी नहीं आएंगे। देखो चार तो कट गए है ना, ये कट गया मोनेरा, प्रोटिस्टा कट गया, प्लांट ही कट गया, अब क्या रह गया हमारे पास एनिमिलिया। एनिमिलिया के पास सेल वॉल नहीं होता, यानी कि इसमें एनिमिलिया भी नहीं आएगा। यानी कि देख, एनिमिलिया हट गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हट गया, प्लांट हट गया, क्या बचा? फंजाई। अब फंजाई देखो यूकैरियोट्स होता है, मल्टीसेल्यूलर होता है, सेल वॉल उसकी काइटिन की बनी हुई होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और हेटरोट्रॉफिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फंजाई आ जाएगा, राइट। और ये पीएमटी में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी कि बच्चों जो चीज हम पढ़ते हैं ना उसी में से क्वेश्चन आता है। बस हमारे दिमाग की जो बत्ती है वो गुल नहीं होनी चाहिए, गुल यानी कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन जहां होता है वहीं हम एरर करते हैं, वहीं मतलब अपन नहीं कहते अरे बिल्कुल मैम ए आ रहा था दिमाग में बी हो गया, इसलिए हो जाता है क्योंकि हम हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है वो उस समय एकदम एक्यूरेट नहीं रहता, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। तो बच्चों जो भी पढ़ो, चाहे एक टॉपिक पढ़ो, उस एक टॉपिक में से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने जो क्राइटेरिया निकाला है वापस से टॉपिक पढ़ाऊंगी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक और बात सुन लो, एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारे मेन एम्स के पेपर में कि पांच किंगडम क्लासिफिकेशन या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडिया और जो हमारा क्या था, क्लेमाइडिया था और एक और था, याद नहीं आ रहा मुझे ये क्वेश्चन, मैं आपको इसमें नेक्स्ट में लिखवा दूंगी। बट ऐसा था कि जो हमारे, जस्ट वेट बेटो एक मिनट में देखती हूँ क्वेश्चन क्या है आपका, क्लोरेला और यस जो क्लेमाइडोमोनास है क्लोरेला है ना, ये आपका जो सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसके फर्स्ट सेकंड और ढाई वाला जो चैप्टर है आधा वाला मोनेरा से जस्ट ऊपर वाला है पैराग्राफ है, उसमें ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। उसमें एक लाइन है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को है ना कहां पर रखा गया है, तो आप बोलोगे प्रोटिस्टा में रखा गया है। इससे पहले ये किस में रखे गए थे? ये रखे गए थे हमारी प्लांट में, प्लांट के अंदर भी एल्गी में रखे गए थे, याद आ गई ये बात? तो आपको ये चीज भी देखनी है, ये हमारा मेन एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो ढाई पेज हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन जहां जहां आए हुए हैं मैंने आपको एलोबरेट कर दिए, क्या क्या चीजें आपको देखनी है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है, वो चीज भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा उसके अंदर अपन मोनेरा पढ़ेंगे। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक के दो वीडियोस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप या किसी एक भी लाइन में या किसी एक सिंगल वर्ड में, तो यू कैन आस्क मी ऑन दिस कॉमेंट बॉक्स। फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम ये परेशानी है, पूरी तरीके से सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरी टीचिंग टेक्निक समझ में आ रही है, सो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा एक मनोबल बढ़ेगा, मैं और अच्छा कर पाऊंगी और आपके सजेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए आपके लाइक्स और शेयर। सो आज चलती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम में या नेक्स्ट वीडियो में हम मोनेरा पढ़ेंगे। जब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि।